हाँ तो भाई साहब क्या चल, जय श्री महाकाल। हाँ तो भाई साहब आज अपन एक और ड्रैग रेस कर रहे हैं स्कूटी ऑन के बीच, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिटर के बीच में। लेकिन आज अपने पास एक अपनी होंडा की, दोनों होंडा है, एक ग्रेज है बाकी, और एक अपनी एक्टिवा है। ये हमारे मल्ला जी से मिल लीजिए, और ये हमारे रोहित भाई है, ये भी एक हेवी ड्राइवर है। जब अपने चेतन भाई ना आज वो नहीं आए, उनकी जगह हमारा हम रोहित भाई को लेके आए हैं। बहुत हरामी इंसान है वैसे ये। बाकी अपन आज ड्रैग रेस की बात करें तो अपनी ये जो होंडा ग्रेज है ये 125 सीसी और ये अपनी 110 सीसी है। अब देखते हैं इन दोनों की ड्रैग रेस में कि इन दोनों की ड्रैग रेस में कौन जीतता है, 125 सीसी 125 सीसी या 110 सीसी। चलो देखते हैं आज की अपनी इसी वीडियो में। हाँ तो भाई साहब अपना पहला राउंड हो चुका है जिसमें अपनी एक्टिवा आगे निकल चुकी है। इस बार पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी ने पिकअप नहीं बनाया, लेकिन पहले राउंड में अपनी जीती है एक्टिवा 110 सीसी। तो अब करते हैं दूसरा राउंड, इसके बाद करेंगे अपन इंटरचेंज वाला राउंड। तो चलो देखते हैं इस राउंड में कौन जीतता है। हाँ तो वैसे यहाँ पे दूसरा राउंड हो गया, दूसरे राउंड में भी अपनी एक्टिवा जीती। अब इसमें मेरे को लगता है ड्राइवर की गलती है या फिर दोनों गाड़ी के इंजन ऐसे, मतलब एक्टिवा का ट्यूनिंग अच्छी है इंजन की, क्योंकि वो 125 सीसी को भी नहीं हरा पा रही भाई साहब, मतलब क्या है। तो इस बार करता हूँ इंटरचेंज राउंड। वैसे मेरे को तो उम्मीद थी अपने इससे, रोहित से भी पूछ सके भाई देखो किस गाड़ी की उम्मीद थी, मेरे को तो इसकी थी यार। बाकी यार पता नहीं क्या हुआ कि अपने 125 नहीं निकल रही। बाकी मल्ला जी आपको क्या लगता है? मेरे को तो भैया ऐसा लगा था एक समय के लिए कि भैया यही सब मेरे को काफी अच्छी लग रही थी है। तो भैया देखते हैं अभी इंटरचेंज करके कौन जीतता है। वैसे अभी तक तो अपने एक्टिवा जीती है, लेकिन भाई बहुत शॉकिंग में रिजल्ट आ रहे हैं हमारे हिसाब से। तो चलो अब देखते हैं इंटरचेंज राउंड। हाँ तो भाई साहब जैसे कि अपना तीसरा इंटरचेंज वाला राउंड हो गया, इस बार ना ड्राइवर ही गलती थी सही चार्ट नहीं हो गई थी। इस बार एक आखिरी राउंड कर रहे हैं जिसमें इंटरचेंज करेंगे गाड़ी। तो अब देखते जो इसमें जो आगे निकला ना भाई वही जीतेगा। तो चलो देखते कौन जीतता है इस वीडियो इस राउंड में। हाँ तो भाई साहब अपने ड्रैग रेस का रिजल्ट आ चुका है जिसमें अपनी जीतने वाली गाड़ी अपनी होंडा ग्रेज है, क्योंकि जो 15 सीसी था ना उन्होंने फर्क दिखा दिया। जब अपन ने पेशन की करी थी तो पेशन में भी अपने जो 10 सीसी थे उन्होंने फर्क दिखा दिया था, 15 सीसी ने भी फर्क दिखा दिया। वो दो बार शुरू में स्लेनी जीती क्योंकि जो उसका ड्राइवर था ना हेवी ड्राइवर, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया था। ये खड़ा हमारा हेवी ड्राइवर हंसे दांत निकाल रहा है। बाकी अगर अपन रिजल्ट की बात करें तो अपनी ग्रेज ही जीती, क्योंकि मैंने भी उसको चलाया ना तो पिकअप के मामले में अपनी ग्रेज बढ़िया है। तो बस यही था आज की वीडियो। हाँ तो भाई साहब मेरा आपसे एक और एक रिक्वेस्ट रही है कि हम जैसे ये करते हैं अपने ड्रैग रेस हो गए या टोचन, ये हम एकदम सेफ जगह पे करते हैं और पूरी सेफ्टी से करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हो पूरी खाली है, पूरा खाली जगह है भाई साहब, ये देखो पूरी खाली जगह हुआ है। तो यहाँ पे हम आपका हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आप ऐसा कुछ ट्राई मत करो, सजेशन भी रहेगा आप मत करो, आप तो बस हमको बोल दो हम कर देंगे जुगाड़ पानी सब महाकाल के आशीर्वाद से। तो बस एक यही कहना था आपसे, कहना हमारा मिलते अगली वीडियो में, तो जय श्री महाकाल।